सुषमा सुबह सुबह चाय पीने के बाद अपनी बहू को बुलाती है और बोलती है, बहू आज के खाने में कुछ अच्छा सा बना ले, कुछ ऐसा जिसे खाने के बाद मजा ही आ जाए। माँ जी, आपको रात को बताना चाहिए था ना कि आज कुछ स्पेशल बनाना है। मैंने अब तक कढ़ी चावल भी बना लिए हैं, तो आप मुझसे ये उम्मीद तो बिल्कुल भी मत करना कि मैं कुछ और बनाने वाली हूँ। तूने फिर से कढ़ी चावल बनाया? बहू आखिर तू चाहती क्या है? रोज रोज कढ़ी खाकर तो मुझे दस्ताने भी बंद हो चुकी है। माँ जी कैसी बातें करती हो, आपको पता है ना मुझे कढ़ी चावल कितने पसंद है। बहू मेरे लिए तो कुछ और बना दे, मुझे तो बचपन से ही कढ़ी बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अच्छा ठीक है, मुझे समय मिलता है ना तो मैं आपके लिए कुछ अच्छा खाने को बना दूंगी। सुषमा अपनी बहू के रोज रोज कढ़ी चावल बनाने की आदत से बड़ी परेशान थी और पूजा को कढ़ी चावल बनाना इतना ज्यादा पसंद था कि वो रह नहीं पाती थी। एक रोज सुषमा के पड़ोसन विमला का आना होता है। अरे सुषमा कैसी है, मैं तो तेरे पास इसलिए आई थी कि शाम में ना हम बाजार चलेंगे, तू भी चलेगी क्या? हाँ हाँ मुझे भी बाजार जाना ही है, शाम में चल लेते हैं। अब देर शाम सुषमा जैसे ही बाजार जाने के लिए निकलती है, माँ जी रुकिए, माँ जी मुझे भी मंदिर ही जाना है, आप आगे चलिए मैं मंदिर चली जाऊंगी। अब सुषमा पूजा और विमला घर से निकल पड़ते हैं, तभी पूजा रास्ते में अपनी सास और पड़ोसन से कहती है, माँ जी जब आप लोग यहाँ तक आ ही गए हो तो मंदिर भी चलो, भगवान के दर्शन भी हो जाएंगे और आप लोग बाजार भी चली जाना। हाँ हाँ बहू तू ठीक कह रही है, हमें मंदिर चलना चाहिए। हाँ अब आ गए हैं मंदिर तो भगवान के दर्शन ही कर लेते हैं। इतना कहने के बाद तीनों मंदिर जाते हैं और पूजा करते हैं। पूजा करने के बाद सुषमा और विमला आने लगती है। पूजा अपनी सास को फोन पकड़ा देती है। अरे बहू ये फोन पकड़, हमें बाजार जाने में लेट हो रहा है। माँ जी यहाँ कढ़ी चावल मिल रहे हैं और आप बात कर रहे हो कि बाजार जाना है, रुकिए मैं अभी लेकर आती हूँ। अरे बहू मेरी बात तो सुन। अरे तेरी बहू कितना ड्रामा करती है, अब बैठ यहाँ, थोड़ी देर में आ ही जाएगी वो। सुषमा और विमला बैठ कर बातें करने लगते हैं और पूजा भीड़ में कढ़ी चावल के भंडारे में घुस कर कढ़ी चावल खाने बैठ जाती है और एक दो बार नहीं बल्कि कई बार खाती है। अरे विमला वो कढ़ी चावल की इतनी दीवानी है कि जब तक भंडारा खत्म ना हो जाए वो आ ही नहीं सकती है, और यही हमें शाम हो चुकी है, लगता नहीं हम बाजार जा पाएंगे। अरे बहू तो तेरी है ना, तुझे पता होगा अपनी बहू को काबू में कैसे रखना है, या फिर तूने अपनी बहू को सर पे चढ़ा रखा है कि वो ऐसी हरकतें करती है तेरे सामने। अरे मुझे पहले पता होता है कि इस औरत को कढ़ी चावल पसंद है तो मैं कभी भी कढ़ी चावल के शौकीन को अपने घर की बहू नहीं बनाती। अरे बाप रे, ऐसा लग रहा है जैसे कढ़ी चावल खाने नहीं बल्कि खुद भंडारा करवाने गई है। अरे सुषमा तू अपनी बहू को सबक क्यों नहीं सिखाती है? अरे कैसे मैं इसकी कढ़ी चावल खाने की आदत को छुड़ाऊं, मुझे यही समझ में नहीं आ रहा है। देख मैं तुझे कुछ बताती हूँ, उससे तेरी बहू की कढ़ी चावल खाने की आदत छूट सकती है। हाँ हाँ विमला बता भी, मैं अपनी बहू का चावल कढ़ी कैसे छुड़ाऊं, इस औरत ने तो मेरे सर में दर्द करके रखा है, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं उसका क्या ही करूँ अब। जो भी कर इसका, लेकिन मेरी बात को गौर से सुन लियो। इतना कहने के बाद विमला सुषमा को कुछ बताती है। सुषमा भी विमला की बातों को गौर से सुन रही होती है। अब विमला की बातें खत्म होती हैं, तभी वहाँ पूजा का आना होता है। माँ जी विमला काकी आप लोग गए नहीं बाजार? अरे मैं भी ना कैसी बातें कर रही हूँ, मैंने ही तो आपको रुकने के लिए कहा था। तेरी यही आदतें तो मुझे बहुत खराब लगती है, और जब मैं तुझे कुछ भी बोल दूँ तो तू मुझे कहती है कि मेरी सास मेरे खाने पीने पर नजर लगा रही है, कितने प्लेट कढ़ी चावल खा कर आई है। हाँ 10 प्लेट तो खाए होंगे, भूख तो और लगी है, और खाने का भी बहुत मन है मेरा तो कढ़ी चावल, लेकिन मुझे भगा दिया, कहा कि अकेले ही 20 लोगों का कढ़ी चावल खा चुकी है तू। भला हो जो तुझे भगा दिया वहाँ से, वरना मुझे तो लगता है कि तू बर्तन भी चाट जाती। सुषमा अब घर पहुँचती है और अपनी बहू को खाना बनाने को कहती है। पूजा सबके लिए खाना बना देती है और खुद सुबह वाले कढ़ी चावल खाने बैठ जाती है। अभी सुषमा अपनी बहू से कहती है, बहू जरा एक गिलास पानी तो ला दे, मुझे बहुत तेज प्यास लगी है। अरे माँ जी लगता है आपको किसी ने बताया नहीं है कि खाना खाते हुए दुश्मन को भी नहीं उठाना चाहिए। अरे बहू प्यास लग रही है तभी तो तुझसे कहा है ना
और तूने मंदिर के भंडारे में कम खाया है जो अब यहाँ और खाना खा रही है। कम से कम मेरे लिए पानी तो ला दे। पूजा अब अपनी सास के लिए किचन में पानी लेने चली जाती है। तब तक इधर सुषमा उसके कड़ी चावल में जुलाब की गोलियां मिला देती है। अब पूजा पानी लेकर आती है और अपनी सास को देने के बाद फिर से कड़ी चावल खाने बैठ जाती है। पूजा अब एक चम्मच कड़ी चावल खाने के बाद ही पेट में गुड़गुड़ महसूस करने लगती है। अरे ये मेरे पेट में क्या हो रहा है? माँ जी मैं भी आई, आप ना मेरे खाने का ध्यान रखना। हाँ हाँ जा, तेरा खाना कौन ही खा रहा है, और बता तो दे कि कहाँ जा रही है। माँ जी लगता है मेरा पेट खराब होने वाला है, मैं अभी आती हूँ फ्रेश होकर। लगता है काम बन ही गया, अब आएगा मजा जब बहू को पूरे दिन टॉयलेट में रहना होगा। बहू तेरा तो पेट खराब है ना, फिर भी तू ये कड़ी चावल तो ऐसे खा रही है जैसे तू ठीक हो। अभी तू ये कड़ी चावल जितना खाएगी उतना ज्यादा पछतावा होगा तुझे। माँ जी आखिर मेरे पेट को भी तो पता चले कि उसने किससे पंगा लिया है। अरे उसे कुछ पता नहीं लगेगा, ऊपर से तेरा लीवर किडनी और फेफड़ा खराब हो जाना है, समझी ना तू। अरे माँ जी देखा जाएगा जो होगा, लेकिन मैं नहीं छोड़ने वाली कड़ी चावल। बहू तुझे जो कर रहा है कर, लेकिन अगर ऐसा रहा तो मैं तेरा इलाज नहीं करवाने वाली हूँ। तू भी मेरी बातों को कान खोल कर सुन ले। ठीक है माँ जी, और मैंने आपसे कहा भी नहीं है कि आप मेरा इलाज करवाओ। अब पूजा का पेट 2 दिन तक बिल्कुल ठीक नहीं होता है, लेकिन फिर भी वो कड़ी चावल खाए बिना नहीं रह पाती है। देर शाम पूजा अपनी सास के पास आ रही होती है और वो चक्कर खा कर गिर पड़ती है। बहू तू ठीक तो है ना? बहू कुछ बोल क्यों नहीं रही? सुषमा डॉक्टर को बुलाती है और डॉक्टर पूजा को ग्लूकोज लगाते हैं और उसे आराम करने के लिए कहते हैं। अब पूजा को जब होश आता है तो वो अपनी सास से कहती है। माँ जी आज के बाद मैं कड़ी चावल का नाम नहीं लूंगी। मुझे तो लगता है कि कड़ी चावल खाते खाते मेरी लीवर किडनी सब खराब हो गया है। लेकिन कोई बात नहीं माँ जी, मुझे कड़ी चावल खाने की आदत को सुधारना ही होगा। बेशक से समय लगेगा लेकिन सब ठीक हो जाएगा। और बहू इसी में तेरी भलाई भी है, मैंने तुझे कितनी बार कहा है कि अपने पसंदीदा चीज को ज्यादा नहीं खाना चाहिए, या तो वो आपकी तबीयत खराब कर सकता है या वही चीज आपको नापसंद आने लगती है। माँ जी मुझे पहले ही आपकी बात सुन और समझ लेनी चाहिए थी। देर से ही सही, लेकिन सुषमा अपनी बहू की कड़ी चावल खाने वाली आदत को आखिरकार छुड़वा ही देती है और विमला का दिया आइडिया पूरा काम कर जाता है। छी छी छी, मुझे ये सब खाने की आदत नहीं है। हे भगवान, मुझे इस घर में शादी ही नहीं करनी चाहिए थी। पता नहीं आगे जाकर भी क्या क्या देखने को मिलेगा। बहू शांत हो जा, ऐसा भी कुछ गलत नहीं बना खाने में जो तू ऐसे चिल्लाकर छी छी बोल रही है। और एक बात तो तूने सच कही, तुझे इस घर में शादी ही नहीं करनी चाहिए थी। हाँ अब आप तो यही कहोगी कि मेरी शादी नहीं हुई होती तो अच्छा होता, लेकिन अब क्या ही कर सकते हैं, बिना आवाज के एडजस्ट करेंगे। अब मैं अपने लिए प्योर वेज खाना बनाऊंगी और राहुल जी आप भी मेरे साथ वही खाएंगे। क्यों? अब राहुल क्यों तुम्हारे साथ खाना खाएगा? इसे यही खाना खाने दे बहू, कम से कम मेरे बेटे को तो बख्श दो, उस पर तरस खा, उसे मेरे हाथों का खाना बहुत पसंद है। माँ जी आपके हाथ का खाना उन्हें तो क्या किसी को भी पसंद नहीं है। सच में वेज खाने के नाम पर आप हम सबको जहर खिलाती हो सके तो हमें माफ करो, लेकिन हमें आपके हाथ का खाना नहीं खा सकते हैं। जी अपनी सास कमला के साथ आए दिन बिना बात की लड़ाई किया करती, क्योंकि उसे उसकी सास कमला ने उसके बेटे के लिए खुद पसंद किया था, इसलिए उसके सारे नखरे भी वही झेलती। अब बेचारी कमला करे तो क्या करे, हड्डी जो गले में फंसी थी। तो आइए देखते हैं प्योर वेज खाने वाली बहू के कितने नखरे हैं। बात कुछ महीनों पहले की है जब कमला अपनी बहू जिया का गृह प्रवेश कर रही होती है। आओ बहू आओ, बहुत बहुत स्वागत है तुम्हारा। हाय मेरी बहू को किसी की नजर ना लग जाए। माँ जल्दी करो, बहुत गर्मी लगे शेरवानी में। अरे मुझे गर्मी की ताप नहीं सही जा रही माँ, आपको की पता नहीं नई नई चीजें किए जा रही हो। आ जा अब और बहू को भी अपने कमरे में ले जा, कल बहू के आने की खुशी में वेज खाने का इंतजाम किया है। क्यों बहू तुझे पसंद तो है ना वेज खाना? माँ जी मुझे वेज खाना बहुत अच्छा लगता है,
और मुझे वेज खाना बहुत पसंद है, लेकिन वेज में प्योर वेज होना चाहिए वरना मुझे पसंद नहीं है। ये कैसी बात कर रही है, प्योर वेज कैसा होता है, हमने तो आज तक नहीं सुना। वेज में भी प्योर और नॉन प्योर होता है भला? माँ जी प्योर वेज खाना होता है, मैं आपको एक दिन जरूर बना के खिलाऊंगी, तब आप भी उस खाने की दीवानी हो जाओगी, देख लेना आप। अगर आप दोनों सास बहू की कथा अगर समाप्त हो चुकी हो तो जिया कमरे में चले, और अगर तुम्हें और बातें करनी है ना तो तुम बातें करो, लेकिन बाद में मुझे मत पुकारना कि राहुल मुझे लेने आ जाओ। हाँ बहू तू भी जा, आराम कर वरना देर हो जाएगी सुबह उठने में, मुझसे भी अब ज्यादा ऊपर नहीं चढ़ा जाता, तू जा राहुल के साथ ही। जिया अपनी सास के कहने पर अपने कमरे में जाकर आराम करती है और सुबह उठकर सज सवर कर नीचे रसोई में आती है, तभी वहाँ अपनी सास को उसकी पड़ोसन कुंती से बात करते हुए देखकर कहती है, माँ जी ये कौन है, कल शादी में तो इन्हें देखा नहीं था। नमस्ते आंटी, मैं जिया इस घर की बहू, और आप? नमस्ते बेटा, और मेरा नाम कुंती है, मैं इस घर की सबसे पुरानी पड़ोसन हूँ। और रही कल मैं शादी में क्यों नहीं दिखी, वो क्या है ना बहू, मुझे ज्यादा भीड़ भाड़ जगह पसंद नहीं है, इसलिए तुम्हारी शादी में नहीं गई। अच्छा जी कोई बात नहीं, वैसे माँ जी मैं भी क्या बनाऊँ खाने में, वो क्या है ना टाइम हो गया है और अभी तक शायद आपने कुछ खाया भी नहीं होगा। अरे नहीं बहू, मैंने चाय पी ली थी, तू मेरी चिंता मत किया कर, मेरा क्या है जब भी वक्त मिलता है मैं चाय बना कर पी लेती हूँ, लेकिन अभी तक नाश्ता नहीं किया। ठीक है माँ जी बता दीजिए कि मैं क्या बनाऊँ नाश्ते में जो आपको पसंद हो। बहू ब्रेड और अंडा बना ले ताकि जल्दी भी बन जाए और तुझे आराम मिल जाए, और ये अंडा भुर्जी और ब्रेड बना देना, उसे बहुत पसंद है। हे भगवान ये क्या खा रहे हैं वेज के नाम पे, मुझे पूरा किचन धोना पड़ेगा, फिर जाकर ही कुछ बनाऊंगी अपने लिए। क्या हुआ बहू, वेज खाना है सोचकर घबरा गई क्या? क्या करूं बहू, हम ऐसा ही खाते हैं, अगर तुम्हें कोई परेशानी हो तो बता देना। ठीक है माँ जी मैं आपको बता दूंगी मुझे किन सब चीजों से परेशानी हो रही है। और कांता चाची आप क्या लेंगी नाश्ते में? ना बहू, तुम्हारा बनता मुंह देखकर ही खाने का मन नहीं कर रहा मेरा, वैसे भी मैं अपने घर से नाश्ता करके ही आई हूँ। कमला की बात सुनकर जिया गुस्से में मुंह बनाकर रसोई में चली जाती है और अपनी सास और पति के लिए उनका मन पसंद नाश्ता तैयार करती है। और कुछ ही देर बाद जिया अपनी साड़ी को कमर में कसकर रसोई की सफाई करती है। पूरी रसोई में पानी पानी बिखरा था, तभी वहाँ राहुल आता है और फिसल कर गिर जाता है। ओ माँ मर गया यार, है, मेरी कमर टूट गई, अरे कोई तो उठाओ यार। अरे रे रे कैसे गिर जाते हो, देखकर नहीं चला जाता आपसे, बस आके ही बड़ी बड़ी है लेकिन दिखता कुछ नहीं है आपको, क्या जरूरत थी आपको यहाँ आने की? अरे बाद में सुना लेना, पहले उठाओ तो मुझे, कब तक मैं ऐसे जमीन पे पड़ा रहूंगा यार। आया ए माँ कहाँ है, बुलाओ उनको। अब उनकी भी कमर तुड़वानी है क्या, मैं उठा देती हूँ, आप मेरा हाथ पकड़ कर उठ जाइए। तुम यहाँ किचन में पानी इतना करके क्यों बैठी हुई हो, देखो मैं कैसे गिर गया यार, आया ए। और अगर माँ गिर जाती उन्हें चोट लग जाती तो, उनका सोचा तुमने? तो क्या अब मैं घर में नॉनवेज बनाऊंगी, मुझे रसोई साफ करनी पड़ेगी ना, क्योंकि मैं ऐसे खुद के लिए खाना नहीं बना सकती। क्यों खुद के लिए ऐसे खाना नहीं बना सकती, इससे क्या मतलब है तुम्हारा? इस घर में सुबह सुबह अंडा बना है, आपकी माँ वेज खाना खाती है ऐसा कहा था, लेकिन वेज के नाम पे अंडा खाया जा रहा है, ये कैसा वेज खाना है? और मैंने अंडा बनाया था और रसोई घर अशुद्ध हो गया, इसीलिए किचन धो रही हूँ। लेकिन अंडे से तुम्हें क्या दिक्कत है, ये तो वेज होते हैं और हम वेज अंडे खा सकते हैं, मैं भी खाता हूँ। ठीक है आप अंडा खाओ, लेकिन आज के बाद मेरे करीब मत आना, मैं प्योर वेजिटेरियन हूँ, मुझे नहीं पसंद ऐसे वेज खाना। अगर आपको भी मेरे जैसे प्योर वेज खाना है ना तो बताओ, वरना आज के बाद बाहर ही सोना। जिया की बात सुनकर अब राहुल भी अंडे खाना छोड़ देता है, लेकिन जिया की सास अंडे खाना नहीं छोड़ती, ऐसे ही हर रोज हुआ करता। कमला खुद के लिए अंडे बनवाती तो उधर जिया पूरी रसोई को धो दिया करती। ऐसे ही दिन गुजरते हैं और प्योर वेज खाने वाली बहू भी अपने नखरे हर रोज दिखाया करती। ऐसे ही कुछ दिनों बाद उसके घर कमला की ननद सुनीता आती है और जिया को रसोई धोते हुए देखकर कहती है, अरे ये क्या कर रही है बहू, रसोई सुबह धोया जाता है, इतने वक्त पर नहीं। बुआ जी मैंने रसोई घर सुबह धोया था, लेकिन आप सभी लोग वेज के नाम पे अंडा खाते हो और मैं शुद्ध शाकाहारी हूँ, मुझे ये अंडे वाली रसोई पसंद नहीं है, इसीलिए रसोई धो रही हूँ, फिर नाश्ता बनाऊंगी। आए हाय ये कैसे नखरे हैं तेरे,
वेज के नाम पे इतने चोचले? बहू ससुराल में है, वेज खाने के पीछे इतने चोचले सही नहीं होते। बुआ जी, वेज नहीं प्योर वेज खाने वाली बहू हूँ मैं, मुझे प्योर वेज खाना ही पसंद है। हाय राम, ये कैसे नखरे हैं बहू तेरे, कुछ तो लिहाज कर ले हमारा भी, अगर कोई देखेगा तो क्या सोचेगा? कोई कुछ नहीं सोचेगा, बस यही कहेगा बहू अपने खाने पीने का बहुत ख्याल रखती है साफ सफाई के साथ। बस कर बहू, तेरे इतने नखरे हैं, अगर पहले पता होता तो मैं कभी नहीं आती तेरे घर। सुनीता इतना कहकर वहाँ से ही चली जाती है और जिया भी रसोई साफ करने के बाद नाश्ता तैयार करती है। कुछ देर बाद सुनीता भी अपनी भाभी के प्योर वेज खाने वाली बहू के नखरे देखकर अपने घर वापस लौट आती है और कमला गुस्से में अपनी बहू से कहती है, बहू आज पहली बार ऐसा हुआ है, मेरी ननद आई और चली गई, तू अपनी आदत बदल ले, वेज खाना हम भी खाते हैं लेकिन इतना नखरे हमारे नहीं है। माँ जी, अगर आपको भी कोई प्रॉब्लम है तो आप खुद की रसोई अलग कर लो या फिर मेरे साथ मेरे जैसा प्योर वेज खाना खाओ। बेचारी कमला को भी अब अंडे को करना पड़ता है अलविदा प्योर वेज खाने वाली बहू के नखरों के सामने, और अब सह परिवार को मिलजुल कर प्योर वेज खाना खाने में बहुत आनंद आया करता। प्रिया और अमित एक कॉलेज में साथ में पढ़ते थे। प्रिया अमित को बहुत पसंद करती, लेकिन अमित का विदेश जाकर पढ़ने का सपना था, जिसके चलते वो किसी और चीज पर ध्यान नहीं देता था। एक दिन कॉलेज खत्म होने के बाद वो घर वापस जा रहा था, तभी प्रिया उसे पीछे से आवाज देती है, कहाँ जा रहे हो यार, रुको ना। क्या हुआ, जल्दी बोलो, मेरे पास टाइम नहीं है, क्या काम है तुम्हें? तुम्हारी बातों से तो बिल्कुल भी नहीं लगता कि तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो, कभी तो प्यार भरी बातें भी कर लिया करो। ऐसी बातें ना दिमाग को गलत दिशा में लेके जाती है, इसलिए मैं इन सबसे दूर रहता हूँ। हे भगवान, ये कैसा बॉयफ्रेंड दे दिया आपने मुझे, किसी काम का नहीं है। तुमने ये बकवास करने के लिए मुझे यहाँ रोका है? तुम्हारी नजरों में ये सब बकवास लगता है? मुझसे ही गलती हो गई जो मैंने तुम्हें रोका, आज के बाद तुम्हें कुछ नहीं बोलूंगी। प्रिया इतना कहकर वहाँ से जाने लगती है, तभी अमित उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लेता है। अरे रुको यार, तुम तो गुस्सा हो रही हो। अरे मेरे कहने का मतलब ये नहीं था, मेरे कहने का मतलब ये था अगर कोई जरूरी काम नहीं होता है तो मैं अपनी ऑनलाइन क्लास ले लेता हूँ ना। हाँ तो जाओ ना, तुम्हें रोका भी किसने है, हाथ छोड़ो मेरा, जाने दो मुझे। ठीक है, लेकिन गुस्सा होकर मत जाओ, प्यार से बोलो ना, वरना मेरा ना पढ़ाई में मन नहीं लगेगा। अजीब आदमी हो तुम, पहले खुद ही गुस्सा दिलाते हो उसके बाद बोलते हो प्यार से बोलो। बोलो ना यार प्लीज। ठीक है लेकिन पहले प्रॉमिस करो कि तुम क्लास खत्म होने के बाद मुझे कॉल करोगे और मेरे साथ बाहर चलोगे। ओके प्रॉमिस, मैं ना क्लास खत्म करने के बाद तुम्हें कॉल करूंगा, और हाँ हम बाहर भी चलेंगे। अमित की बात सुनकर प्रिया खुश हो जाती है और दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद प्रिया अमित को कॉल करती है। हो गई तुम्हारी पढ़ाई, अब चले घूमने? हाँ ठीक है, तुम तैयार होके बाहर आ जाओ, मैं बाइक लेके आ रहा हूँ। ओके डन, आती हूँ। प्रिया इतना कहकर कॉल रख देती है और अपना बैग उठाकर घर से बाहर निकल जाती है। वहीं दूसरी तरफ अमित भी अपनी बाइक लेकर घर से निकलता है, तभी प्रिया उसे एक आलू पूरी वाले के पास रुकने को बोलती है। चलो आलू पूरी खाते हैं, मुझे आलू पूरी बहुत पसंद है। तुम इतनी दूर क्या मुझे ये आलू पूरी खिलाने लाई हो? हाँ, क्योंकि मुझे बहुत दिन से खाने का मन कर रहा था। ठीक है तो तुम ही खाओ, मुझे नहीं खाना। ओके मत खाओ, मैं तो खाऊंगी। प्रिया इतना कहकर आलू पूरी वाले के पास जाती है और उससे एक प्लेट आलू पूरी लगवाती है। थोड़ी देर बाद दोनों वहाँ से चले जाते हैं। समय बीतता है, समय के साथ दोनों की पढ़ाई भी पूरी हो जाती है। एक दिन प्रिया अमित के पास आती है। यार मेरे घर में ना मेरी शादी की बात चल रही है, चलो ना हम दोनों अपने बारे में अपने घर वालों को बता देते हैं और शादी कर लेते हैं। ये क्या बोल रही हो तुम, अरे ऐसा नहीं हो सकता, मुझे अभी आगे और पढ़ना है और कुछ बनना है, मैं अभी शादी नहीं कर सकता। ठीक है, आज तुमने साबित कर दिया कि तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो, इसलिए जाओ, तुम्हें जहाँ जाना है जाओ, आज के बाद मैं तुम्हारे पीछे नहीं आऊँगी। तुम अपनी पढ़ाई देखो, मैं अपने माँ बाप की मर्जी से देखूंगी, गुड बाय। प्रिया इतना कहकर वहाँ से चली जाती है और अमित अपनी पढ़ाई के लिए विदेश चला जाता है। कई साल बीत जाते हैं, इन सालों में प्रिया की शादी एक अजय नाम के लड़के से हो जाती है और वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाती है। वो रसोई में खाना बना रही थी कि तभी अजय वहाँ आता है। क्या बात है, तुमने खाने में आलू पूरी बनाई है? हाँ जी, क्यों आपको पसंद नहीं आई क्या, कुछ और बना दो? आपने ही बोला था कि जो तुम्हें पसंद हो वो बना लो, तो मैंने वही बना दिया। अगर मैंने इसे ये बोला कि मेरे दोस्त को आलू पूरी पसंद नहीं है तो इसे बुरा लगेगा,
तुमने जो बनाया है बहुत अच्छा बनाया है। आपके आने वाले दोस्त को पसंद तो आएगा ना? हाँ बिल्कुल पसंद आएगा, अगर तुम अपने हाथों से जो भी बना दोगी वो तो सबको पसंद आएगा ही ना। टेंशन मत लो, जाओ हाथ मुंह धो लो और तैयार हो जाओ, वो आता ही होगा। ठीक है मैं अभी आती हूँ। प्रिया इतना कहकर कमरे में तैयार होने के लिए चली जाती है और अजय हॉल में बैठकर फोन चलाने लगता है। तभी उसका दोस्त वहाँ आता है जिसे देखकर वो उसे गले से लगा लेता है। तभी प्रिया भी तैयार होकर वहाँ आती है और अपने पति के दोस्त को देखकर हैरान हो जाती है क्योंकि वो और कोई नहीं उसका एक्स अमित था। दोनों एक दूसरे को देखकर हैरान रह जाते हैं। तभी अजय अमित को प्रिया से मिलवाता है। अमित भाई यह है मेरी पत्नी प्रिया और प्रिया यह है मेरा दोस्त अमित जो विदेश पढ़ने गया था, आज ही वापस लौटा है। ये आपका दोस्त है? हाँ ये मेरा दोस्त है, लेकिन तुम इतना हैरान होकर क्यों पूछ रही हो? भगवान ही जाने अब ये तकदीर का कौन सा खेल है जिसकी वजह से आज मेरा एक्स इतने सालों बाद मेरे सामने खड़ा है। बोलो प्रिया तुम चुप क्यों हो गई? कुछ नहीं, आप लोग डाइनिंग टेबल पर बैठिए, मैं खाना लगाती हूँ। प्रिया इतना कहकर रसोई में चली जाती है और अपने पति के हिस्से की आलू पूरी निकाल कर अपने एक्स की आलू पूरी के पेट में बहुत सारी मिर्ची मिलाकर बाहर लेकर आती है जिसे देखकर अमित मुस्कुराने लगता है। क्या बात है भाई, तू आलू पूरी देखकर इतना मुस्कुरा क्यों रहा है? तुझे लग रहा होगा ना इतने सालों में मैं तेरी पसंद भूल गया हूँ, तुझे आलू पूरी नहीं पसंद है, मुझे पता है यार। नहीं भाई ऐसा कुछ भी नहीं है, अब मुझे आलू पूरी ना बहुत पसंद है, मैं तो अब खा लेता हूँ जब मन करता है, क्योंकि ना मुझे ये किसी की याद दिलाती है। इसे तो मैं अभी बताती हूँ, जब ये तीखी आलू पूरी खाएगा तो सारी पसंद भूल जाएगा। अगर आपको इतनी ही पसंद है आलू पूरी तो लीजिए ना, खाइए आराम से। हाँ जी बिल्कुल खाऊंगा, और आपने इतने प्यार से बनाई है तो खाना तो पड़ेगा। अमित इतना कहकर जैसे ही आलू पूरी खाता है उसमें पड़ी मिर्ची का तीखापन उससे बर्दाश्त नहीं होता और वो जोर जोर से खांसने लगता है। तभी अजय भागकर किचन में पानी लेने के लिए जाता है और अमित को अकेला देखकर प्रिया उसे ताना मारती है। मजा आया तीखी आलू पूरी खाकर, और कोई जरूरत तो नहीं है ना तुम्हें मेरी पसंद की कोई भी चीज को अपनी पसंद बनाने की, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरी कोई भी चीज तुम्हारे पास हो। तुम्हें जितना भी गुस्सा करना है तुम करो, लेकिन मैं तुमसे आज भी बहुत प्यार करता हूँ और तुम्हारी पसंद की सारी चीजें मैं याद रखूंगा, और हाँ अब तो मैं रोज तुम्हारे हाथ की आलू पूरी भी खाऊंगा। मैं तुम्हें इतनी तीखी आलू पूरी खिलाऊंगी कि तुम खुद ही से खाना छोड़ दोगे। प्रिया और अमित आपस में बहस कर रहे होते हैं, तभी अजय पानी की बोतल लेकर आता है और अमित को पानी पिलाता है। भाई तुझे इतनी खांसी क्यों आ रही है? आलू पूरी तो बिल्कुल भी तीखी नहीं है। पता नहीं भाई, हो सकता है दसका लग गया होगा। हाँ हो सकता है, कोई नहीं तू आराम से खा। थोड़ी देर बाद अमित वहाँ से चला जाता है। ऐसे ही दिन बीतते हैं और अमित आए दिन प्रिया के घर आलू पूरी खाने के लिए पहुँच जाया करता और प्रिया गुस्से में अपने एक्स को बहुत तीखी आलू पूरी बनाकर खिलाया करती ताकि वो आलू पूरी खाना छोड़ दे, लेकिन अमित फिर भी आलू पूरी खाना नहीं छोड़ता। अमित का रोज घर आना और सिर्फ आलू पूरी खाना अजय को शंका में डाल देता है। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं, तभी एक दिन फिर से अमित घर आता है और आलू पूरी मांगता है। भाई तू आलू पूरी के पीछे ऐसे पड़ गया है जैसे वो तेरी कोई एक्स हो और तुझसे खाई भी ना जा रही हो, बल्कि वो इतनी तीखी भी नहीं होती है जितनी तुझे लग रही है। अब तुझे क्या बताऊं मेरे दोस्त, मुझे आलू पूरी नहीं मेरी एक्स का तीखा गुस्सा इसमें मिला होता है ना वो मुझे पसंद है, और तेरी आलू पूरी में उसका प्यार तो तुझे अच्छा लगेगा ही। बोल भाई कहाँ खो गया? भाई वो क्या है ना, विदेश में रह के उबला हुआ खाना खा के मैं बोर हो चुका हूँ और तीखा खाना छूट ही है जैसे, इसलिए ना मुझसे नहीं खाया जाता वो उबला हुआ खाना, और मैं तीखा खाना खाने के चक्कर में तेरे यहाँ आता हूँ आलू पूरी खाने के लिए, इसलिए ना सॉरी यार जो बुरा लग रहा है तो, लेकिन मैं खाऊंगा यार। अमित और अजय आपस में बातें कर रहे थे कि तभी प्रिया अमित के लिए तीखी आलू पूरी लेकर आती है और दूसरी थाली लेने के लिए रसोई में जाती है। तब तक अमित का कॉल आ जाता है और वो उठकर थोड़ा दूर चला जाता है। प्रिया को किचन से आने में टाइम लग जाता है और अजय अमित की थाली की आलू पूरी खाने लगता है जिसे खाते ही उसके कान नाक से धुआं निकलने लगता है। तभी जब प्रिया उसकी थाली लेकर आती है तो उसमें सब नॉर्मल होता है। प्रिया ये सब क्या है, तुम मेरे दोस्त को इतनी तीखी आलू पूरी क्यों खिला रही हो? सच सच बताओ क्या चल रहा है तुम दोनों के बीच में, किस चीज का गुस्सा निकाल रही हो तुम आखिर इस पर? अजय के पूछने पर प्रिया गुस्से में उसे सब सच बताती है जिसे सुनने के बाद वो उसे बहुत समझाता है और उसे उसकी गलती का एहसास दिलाता है, जिसके बाद वो अपना गुस्सा खत्म करके अमित को माफ कर देती है और दोबारा फिर कभी उसे तीखी आलू पूरी नहीं खिलाती।
दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।